मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री के खुलासे के बाद सियासत गर्मा गई है, जब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं विपक्ष के आरोपों का सत्ता और संगठन के नेताओं ने करारा जवाब दिया है। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करने का है। हमारी पुलिस ने और गुजरात पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन किया जिसमें इतना बड़ा ड्रग माफिया पकड़ाने का काम किया है, और कांग्रेस इस विषय पे सिर्फ राजनीति करती हुई दिख रही है। अरे आपको ये बताना चाहिए, जो अभी गोयल पकड़ाए थे दिल्ली में, तो वो उनके साथ क्या संबंध था आपका? हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सब चीजों को उन्होंने भली भांति देखने का काम किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो गुजरात के गृह मंत्री संपर्क में उन्होंने एक दूसरे से बात की, और जो ये जखीरा पकड़ा है वो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं जो अपराधियों के लिए एकदम सख्त हैं। आपने देखा पूर्व में भी जो माफिया थे, जितने भी शराब माफिया की बात करो आप, रेत माफिया की बात करो, यहाँ और भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका फन कुचलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी भी आपने देखा कि इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, और भी जो इनके तार, उनके जो कहां कहां तार जुड़े हुए हैं उन सबको खंगालने का काम कर रही है। कांग्रेस आलोचनाएं और आरोप लगाने का काम करती रहे, हम इसके विपरीत जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और इस बात पर आश्चर्य जताया है कि डेढ़ महीने से यहाँ पर गुजरात की पुलिस पड़ी हुई है, तहकीकात कर रही है और उस फैक्ट्री की निगरानी कर रही है जहां पर कि ड्रग्स बनते हैं, और मध्य प्रदेश की जो पुलिस खुफिया एजेंसी वो सब कुछ जो लोग हैं वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। या तो वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं या उनको मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश को जो है वो ड्रग्स के आगोश में डाल देना चाहते हैं और ड्रग्स की जो कमाई है उसको दोनों हाथों से लूटना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, आज उसने इस मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा दिया है और हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको नशे की लत में डालने के लिए पूरी तरह से बर्बाद करने पर उतारू है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री जिनके पास स्वयं गृह विभाग है वो कर क्या रहा है। एक तरफ छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, कानून लोग हाथ में लेकर, कली की घटना है भोपाल में, लोग दिन दहाड़े लोगों के घर में घुस रहे हैं, उनकी बच्चियों को छेड़ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? ये तो ड्रग्स का मैंने उसी दिन कहा था, आज से एक महीने पहले जिस दिन सारे बैरियर हटाए थे और बैरियर हटा के और उसका संचालन जो है गुजरात की फर्म को दिया था, उसी दिन मैंने कहा था कि अब मध्य प्रदेश जो है वो ड्रग्स के आगोश में, नशे के कारोबार के में डूब जाएगा, क्योंकि जो अबाद गति से गुजरात से ड्रग्स आएगा वो मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर अपना जाल फैला देगा। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश जो कि इन सब चीजों से अछूता था, आज यहाँ पर वही सब चीजें होने लगी हैं जो दूसरे प्रदेशों में होती थी, ऐसे प्रदेशों में होती थी जहां से कि पंजाब जैसे प्रदेश में जहां पे उड़ता पंजाब हम कहते थे, आज हमको लगता है कि उड़ता मध्य प्रदेश बनाने का इन लोगों का जो है वो मंसूबा है। बहुत विरोध करती है और कहती है कि अगर समय रहते नहीं चेते तो मध्य प्रदेश भी जो है वो ड्रग्स का बहुत बड़ा, ड्रग्स माफिया का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा।